दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंटा साहिब। शनिवार देर शाम को नोहराधार हरिपुरधार क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि से खेत खलिहान जलमग्न हो गए। ओलावृष्टि से बागवानों के फलदार पौधों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। जिन बागीचों में जाली लगाई गई है उनको भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि बागीचे में नुकसान कम हुआ मगर जाली व जाली के लगाए गए पोल तिरछे हो गए। ओलावृष्टि के कारण किसानों की सरसों मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नोहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंटा साहिब अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। स्कूल के निदेशक व प्रिंसिपल नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेईई एनडीए एनटीएससी नीट जैसे विभिन्न कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। स्कूल की छात्रा साविका अली ने नीट 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईजीएमसी शिमला में प्रवेश पाया। वहीं हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में 12वीं कक्षा के 5 व 10वीं कक्षा के 9 विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए लैपटॉप दिए गए हैं व उपायुक्त सिरमौर ने उन्हें सम्मानित भी किया है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। इसके साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी ने जोहर दिखाते हुए जोनल टूर्नामेंट के अंडर 14 आयु वर्ग में विजेता व अंडर 18 आयु वर्ग में रनर अप रहे। स्कूल के शुभकरण भारद्वाज राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं स्कूल के विद्यार्थी राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में रंगोली मेहंदी वाद विवाद पोस्टर मेकिंग जैसी अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाती हैं। नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास व बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी शिक्षा सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तो आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंटा साहिब, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8219632236 पर।